अगर आप बोल रहे हैं मैंने आज भेजा क्यों आप आज आपने क्यों दो साल आप क्या कर रहे थे दो साल अगर आपने नहीं देखा मेरे स्कूल में कितना चाहिए जब हमने स्टोरी की आपने टीचर भेजा क्यों भेजा अगर नहीं भेजना था नहीं भेजना था एसोसिएशन के लोग इनके दफ्तर में बैठे रहते हैं उनका काम क्या है उनको बुला पड़ा जब तक लोन साहब आए हैं एडी साहब मुझे लगता है चेंज आई है डिस्ट्रिक्ट में तो मैंने उनको बताया गया था कि जो जमीन आपकी है उसको आप वो खरीद करो तो वहाँ पर उनका कहना यही था कि हमें क्या लेना जाना इसे वोट जाने वहाँ पर सरपंच जाने क्योंकि जो हमारे सरपंच साहिबान हैं मैं एडीसी साहब से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हमारे सरपंच साहिबान हैं वो सब माशरे के गिरे हुए इंसान हैं कोई ऐसा नहीं है कि अगर किसी को भी गांव में से वो असल में सर असल में सर वो ये बात आ गई आपकी नोट कोई परेशानी नहीं लेकिन करंट स्टोरी में उसको आपका गोट चाहिए आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया पॉजिटिव स्टोरी उसका मैं मफहूम समझता तनकीद बराई तामीर हम सब जो यहाँ पर मैं आदू को जानता भी नहीं हूँ तनकी बराई तामीर आपने काम किया 100% कोई परफेक्ट हम भी परफेक्ट नहीं है 100% आप कैसे हो सकते हैं या कोई नहीं कभी कामयाब किसी अफसर वो इंशाल्लाह करेगा दूर आहिस्ता आहिस्ता एक साथ सब कुछ नहीं होता है सब कुछ एक साथ नहीं हो जाएगा हम आपको आप हमारे सामने सीओ साहब बैठे हैं जो डी साहब होते और 10 सवाल पूछते हैं अगर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB PWD PHE होते उनसे 10 सवाल गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है आप उनको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करते हैं कहीं हर मेरे साथी यहाँ पे सब बैठे हुए हैं मेरे के साथ काम कर चुका हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने और यजिया ने इकट्ठा कैरियर शुरू किया है वादी की आवाज़ का बरेली कश्मीर श्रीनगर से शुरू हुई तब अब्दाल महजूर साहब प्रोग्राम कर रहे थे तो उस वक्त हमने पहला डिस्पैच उस वक्त दिया है आज से 15-16 साल पहले की बात है मेरा यहाँ आने का कोई नहीं था लेकिन सुबह कल शाम देर गए आबा साहब ने फ़ोन किया और इनको ना नहीं कर सका तो खुशी ये है कि आप लोगों से मुलाकात हो गई यहाँ आया आपसे मिला हमारी तो रोज़ बातें होती हैं हम बात करते हैं हमेशा मुख्तलिफ मौजूदात पर बात होती है जर्नलिज्म पर बात होती है कभी हम एक दूसरे की वो खींचातानी भी करते हैं लेकिन वो तो चलता रहता है लेकिन यहिया ने एक बात बोली कि हम लोगों ने अभी तक किसी को आज तक ना किसी की इज्जत नहीं उठाई है मैं 15-16 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ जितना अभी तक काम किया मैंने उसको काफ़ी गुजराई हासिल हुई लोगों की तरफ से और अच्छा नाम मिला अच्छी पहचान मिली और तभी आज मैं करना से श्रीनगर में बैठा हुआ करना से उठ कर गया आप लोगों के सामने वहाँ पर दोनों लोग जाते हैं माइक लेके और कैमरा लेके रास्ता के पास they make a full video and you know try to film that up. So that is not what a profession and you know within this in Bandung school. So that is the situation that used to be tough. How many great disaster and post disaster scenario में अगर बात करें अगर जापान की बात करें जापान में हर आए ज़लज़ला आता है ना तो उनका रिस्पॉन्स बोला लोकल लोकल जो कैमरा में गाँव में लूट कर रहे हैं
So this media needs to actually check on those things also. Ki koi mat for their own interest, they will try to spread these things. So that is the big role media should play. कोविड के दौरान हमने देखा कि मीडिया ने कितना सहयोग किया। एक अपडेट का हमने देखा कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ प्रैक्टिसेस मीडिया ने एक्चुअली प्रमोट थ्रू यू नो दिस हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, यू नो वेयरिंग अ मास्क। सो द रूल इट इज यू नो शुड गो टू द मीडिया आल्सो। आई थिंक द क्रेडिट शुड गो टू द मीडिया आल्सो। मीडिया प्लेड अ रोल even gaon gaon jaake the influencers, media influencers who came on the media and actually tried to you know give people this assurance, this trust that this thing has to be done. Vaccinations mein hai hamare yahan pe kafi mix vaccination ke liye in rural areas people were not forthcoming, log aage nahi aa rahe the. Abhi bhi hai kafi sare logon ne vaccine nahi kiya because lot of mix were circulating in media and feel like how it the behavioral change was ensured through different media you know interventions. So that means media is both positive and positive and effective role, and at times they can play a negative role. And I'm sure that you guys are well versed with the rules and you know what the rule is. Only my solution would be, my request would be to not give. मेरे साथ भी कई तरह के इस साल हो रहा है हमारे साथ. मैं अपनी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं कहीं पीछे हूँ अपने इसके मुसा करी बाबा साहब जो कि पीएचडी स्कॉलर है. जब इसकी बेइज्जती हो जाती है तो हमारी सारी जन्म की बेइज्जती हो जाती है. जो मैं अभी आज से दो तीन साल पहले 2016 में जब वो एजुकेशन यहाँ शुरू हुई तो एक रिपोर्टर तब क्या होता था उससे पहले रिपोर्टर हमें फोन पे खबर देते थे क्योंकि रात को 10 बजे है एडिटर साहिबान ने कहा कि नहीं जी आप ये खबर बना लो कहीं वाणीपुरा में कहीं रीच नमदार हो गया था किसी जगह तो अब रिपोर्टर ने फोन किया और इकबाल साहब यहाँ रीच आया था उसने तेंदुआ नमदार को उसने खेत में जाके एक शहरी पे हमला किया शहरी वो शुक्रिया कि उन्होंने उदय राय जो शायद इस तरह प्रोग्राम किया जो दीरा फॉर्म आया है वार्तालाप इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करना वक्त की जरूरत है और जिस तरह से आपने शुरुआत की कि आज हम सब लोगों का एक ही प्लेटफॉर्म है मिलन नहीं हुआ और एक इंप्रेसिव डिस्कशन भी जारी है. कुछ अहम बातें आपकी तरफ से हुई और कुछ पॉइंट्स ऐसे यहां से उभारे गए दोस्तों ने वो सिर्फ इसी ताकि शायद अगर आपके कानून पर वो बात टकराई नहीं हुई वो आपको आज पता चले. एक और बात इंसान जब भी बात करे किसी महफिल में तो उसके बखते नजर हो किसी खास इंसान को टारगेट करना बड़े शोबे को लेकर या हम लोगों को शोभा नहीं देता. वो क्यों लोग हम पर भरोसा करते हैं. एक सहाफी को जो देखते हैं लोग एक वो एक आम इंसान उसे तस्वर ही नहीं करता. वो ये सोचता है कि फुल ऑफ नॉलेज है. एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं उसकी बात फिर से नहीं करूँ. एक दिन मैं एक बड़े ऑफिसर के पास बैठा था. मेरे साथ एक दोस्त आया वो भी जर्नलिस्ट है. तो ऑफिसर ने ये कहा मुझे बताओ बाहर क्या हाल है. शायद मैं कुछ कहने वाला था मेरा दोस्त उठा बाहर क्यों गए. ऐसे लगा मैंने एक आम इंसान से सवाल नहीं पूछा मैंने एक जर्नलिस्ट से पूछा. इसके मान मैंने कहा कि दुनिया में क्या हाल है तुम तो मुझे भी मालूम है. हम सबको अपने आप का पास पकड़ना होगा. ब्लैक शिप्स हर जगह होते हैं.
जिस तरह के फायर साहब दोस्त अजीज हैं इन्होंने कहा कि एजुकेशन सेक्टर पूरी तरह डिफरेंट हुआ है। अजर और एलम की किताब है, मैं इसकी काफी इज्जत करता हूँ क्योंकि जब से मुझे ओहदा सवाल मैं इसकी प्रेज नहीं करता हूँ शोभा के तरीके क्योंकि जब कोई काम करता है उसका काम छुपाना बड़ी गलत बात है। एक बार मैं यहाँ से